उत्तर प्रदेश, यहाँ तुम्हारे भाई का हुआ जन्म। और यहाँ जन्म लेते हैं नी, मुए घर वाले ने दो चीज सिखा दी। एक, बाहर किसी से भी पिट के मत ना आइयो, और दूसरा, कभी भी किसी लौंडिया के चक्कर में मत ना पड़ियो। पर मैं ठहरा 21वीं सदी का लौंडा। पहली बात तो मैंने उनकी मान ली, और दूसरी बात मैंने ऐसे इग्नोर मारी जैसे मेरी गर्लफ्रेंड का पापा मुझे इग्नोर करे। यार पापा बड़े घसीट माला तेरी चेली के। भाभी बोल, वर्षा भाभी। भाई 4 साल से तू यार लौंडिया के पीछे पड़ रहा है, प्यार न होगा कोर्ट कचहरी की तारीख होगी, सुलट के ही ना दे रही यार। अरे यार तू तो कतई फटाफट है, और जब लौंडिया है राजी तो तोहे काहे बात की आ रही है फांसी। रहपट में कर दूंगा तोहे म्यूट, तेरी भाभी है गनी क्यूट। लगे है वो हमेशा टॉप क्लास, चाहे पहने साड़ी या सूट। चल फटाफट 300, 400, 500 की स्पीड पे कैच। आज तेरी भाभी है, इतने गिफ्ट दूंगा वो भी सोचेगी कैसे गिफ्ट की दुकान ही खोल ली। ओ खड़ा अपना याडी पंकज, ओए आजा भाई, आजा भाई। अरे अरे सारा जुगाड़ कर दिया अपने भाई का चढ़ने को छत पे। अंदर हूँ, अंदर हूँ। नाम तेरा दिल पे लिखान ने फिरे, फोटो तेरी बटवे में लान ने फिरे। बन जाने मम्मी मेरे बाल का की तू, रोटी तेरे हाथा की ओ खान ने फिरे। नाम तेरा दिल पे लिखान ने फिरे, फोटो तेरी बटवे में लान ने फिरे। बन जाने मम्मी मेरे बाल का की तू, रोटी तेरे हाथा की ओ खान ने फिरे। ओ मेरी वर्षा, देख तेरे लिए कर दिया कितना खर्चा, तुझे देखने के लिए दिल है तरसा। कब करोगी बिया, अब तो होगा एक अरसा। दूर से उड़ती उड़ती खबर आई है, लौंडिया नहीं तू तो मलाई है। ओ मेरी लेडी, लाया हूं तो कु टेडी। डैडी अंकल जी नमस्ते, छोले खाओ सस्ते, मैं जाता हूँ यहाँ से हंसते हंसते। बचाने आऊं? अरे आराम से भैया, सेफ्टी से ले जाओ भैया, बचा लाए मौत के कुआसू। भाई तू सेफ तो है। भाई तो मौत के कुआं में ही रहेगा दीख है। अब आया पकड़ में है? अबे इससे बढ़िया तो इसके बाप से पिट लेता, दोस्त नहीं तुम हो नेता। पटक दूं? नहीं जी, बैठ के बात कर लेते हैं, कुछ ले दे के खत्म कर लेते हैं। चलो तो ससुर जी आ जाओ एक बार, माफ कर दो गिर जाऊंगा। घर तो बहुत बढ़िया बना रखा ससुर जी, पर तुम टेंशन मत ना लियो, मोए तुम सुनना चाहिए एक रुपया भी दहेज का। आई ओनली वॉन्ट यूर लड़की माई बहू बन जावे। तेरे बाप के बड़े एहसान है मुझ पर, वरना अब तक तो टांगे तोड़ देता। कभी टांग तोड़ो है, कभी दिल तोड़ो, कभी को जोड़ भी ले करो। तुझे मैंने कितनी बार समझाया कि मेरी बेटी से उतना दूर रह कर जितना एक वेजिटेरियन आदमी चिकन और मटन से रहता है, एक किरायेदार मकान मालिक से दूर रहता है। समझ गया या समझाऊं? अगर किराएदार भगगा ना तो मकान मालिक भूखा मर जाएगा। नाम है तारा करम, खामा खा होते रहो गरम। कभी अपनी लोंडिया से भी पूछ लो, प्यार करे मोए नरम नरम। तमें फिर भी ना आती काही बात की भी शरम। क्यों, मेरा क्या मुंह काला हो गया जो मुझे शर्म आएगी? इस साल मैं उसकी शादी कर दूंगा,
उसके हाथ पी ले और तेरे गाल लाल होने का टाइम आ गया है। जो तारी लौंडिया आ गई वर्षा मेरी वर्षा। और बताओ वर्षा, कैसे आना हुआ मेरे ससुर जी के पास आपका? चाय में चीनी कितनी लोगे? चाय? ससुर जी कभी अपनी लौंडिया से भी पूछ ले करो कितना प्यार करे यू मौसू। अगर मैं अदरक हूँ तो यू चाय की पत्ती है, दोनों के बिना चाय अधूरी है। तू जी तू इसको चाय पिलाएगी? इसको इसको तो मैं घुसंड पिलाऊंगा। गलत बात है वर्षा, मेरे लिए चाय लाइयो। तुम्हें पता नहीं है मुझे नींबू पानी पसंद है, लेकर आओ ना। चीनी गेर करना। हाँ जी आए मेरी जान। I love you वर्षा के पापा, love you ससुर जी, love you। I love you। ये क्या लाया तू? बड़े पैसे आ रहे हैं जो गिफ्ट विफ्ट लेके आ गया। तम भी ना, कतई बुढ़िया के बाल की तरह फैलते ही रहो। अरे ये सब मैंने सोप्सी ऐप से खरीदा है। ये क्या है? सोप्सी ना पता तुम्हें? अरे ये फ्लिपकार्ट का ऐप है, जिसमें सबसे कम दाम में खरीदने के साथ मार्जिन भी कमा सकते हो। एक ऑर्डर पे 5,000 रुपए तक और महीने के 30,000 रुपए से भी ज्यादा, वो भी बेस्ट प्राइस पे फैशनेबल और ट्रेंडी प्रोडक्ट्स खरीद कर। क्या बात कर रहा है यार? अरे बहुत भारी ऑफर है सोप्सी पे ससुर जी। क्या बात है? मेरे फेवरेट प्रोडक्ट शॉप करने पे ना हर घंटे 200 पर को मिलेगा 100% कैशबैक। उससे भी बड़ा ये देखो, 3 लाख से भी ऊपर के प्राइजेस दे रहा हूँ, जिसमें आईफोन लैपटॉप स्मार्ट वॉच मिलेंगे। कैसे करना ये सब? बस सोप्सी ऐप डाउनलोड करो और करो शॉपिंग भी और अर्निंग भी। मैं अभी डाउनलोड करता हूँ। वर्षा के सबसे छोटे देवर की कॉल आ रही है। विकास? हाँ विकास। अरे भाई परसों तो फिल्म देखने गया वहाँ भी गया। हाँ अरे मौत चल रही है बेरी, पूरे कॉलेज में पता लग गई है, प्रिंसिपल मैडम नाम काटने को कह रही। किसका? वर्षा भाभी का। अरे भाई तेरा क्यों कटेगा, पढ़े थोड़ी है तू, 100 की स्पीड से जल्दी। एक मिनट दे, 1.5 घंटे में आया। ये लो अपनी लौंडिया दे दियो। अमित, पापा को पता चल गया ना मैं तेरे साथ बंक पे गई थी, वो तेरी छोड़ मेरी भी टांगे तोड़ देंगे। बाबू नाम है अमित बढ़ाना, मास्टर भी कहते इसे ना पढ़ाना, लेकिन मुझे अच्छे से आता है प्रिंसिपल को समझाना, बढ़ाना का आना और बढ़ाना का जाना ऐसे समझाना। अभी गया अभी आया, टेंशन ना लो, भाभी को पिज्जा बर्गर खिलाओ। चलो चलो, आई लव यू बाबू। बस बचा लेना बाबू के बच्चे। बचा लेंगे तड़ंग नहीं। भाई मैं यहाँ नजर रखता हूँ और तू भाभी के पापा पे नजर रख। पहुंच चुका हूँ भैया, संभाल लेना। अरे तू फोन काटेगा तभी तो मैडम को मिलाऊंगा मैं, रख फोन जल्दी। मैम जी नमस्ते। अमित तुम्हें अंदर किसने भेजा? सिक्योरिटी सिक्योरिटी। अरे क्यों परेशान हो रही हो मैम, या फोन है उठाओ पहले, जल्दी उठा लो फोन कट जाएगा नहीं तो। हेलो। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार जी, आप कौन? मैं आपका विधायक दल बदल बात कर रहा हूँ। आपके सामने जो बैठा है ना अमित, छोटा भाई है अपना, माफ कर दो इसने। और मैडम जी वैसे भी जवानी में ये सब आपने भी और हमने भी बहुत किया है ना, गलत तो नहीं करा? एक्सक्यूज मी। अरे मैडम इंग्लिश में बोलने से बात खत्म थोड़ी हो जाएगी। कल को आपके बच्चे भी यही करेंगे, फिर उनके बच्चे भी यही सब करेंगे। आपको शर्म आनी चाहिए, आप क्या बात कर रहे हैं? शर्म क्यों आएगी मैडम जी, आप एक बात बताओ, क्लास में आपस में बात करने में शर्म की क्या बात है, है? क्लास में बात? ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्लास बंक करके फिल्म देखने गए थे। क्या? हाँ जी। विधायक भैया नमस्ते। नमस्कार छोटे भाई। अपना विकास नहीं है, उसकी सिस्टर है वर्षा। वर्षा विकास की बहन कब से होगी? नहीं नहीं नहीं, पिछले हफ्ते ही मैंने दोनों को भाई बहन बनाया है, वो विकास का कैरेक्टर थोड़ा खराब है ना। अच्छा जी। हाँ पंकज की गर्लफ्रेंड ही पटा ली थी उसने। अरे तेरे दोस्त भी बड़े कमाल गए यार, दूसरे की तिजोरी में दमाड़ साफ कर ले गए। कमाल है भाई। तो दोनों कर रहे थे क्लास में बात। इतनी सी बात पे प्रिंसिपल मैम ने
वर्षा का नाम काटने की धमकी दे दी। अरे ऐसे कैसे नाम काट देगी वो, जब तक विधायक दल बदल है ना कोई दिक्कत नहीं है। भैया एक बार उनसे बात करो ना प्लीज। तू नंबर भेज उसका, मैं बात करता हूँ अभी। थैंक यू भैया। इसका मतलब आप भी ऐसे अच्छे काम ही करते थे अपनी जवानी में, क्यों विधायक जी? अरे नहीं नहीं प्रिंसिपल मैडम, आप ये तो मैं ना उसके चक्कर में। आप एक काम करो, मेरी बात कराओ उस लड़के से। लो बात करो अपने प्रिय विधायक जी से। मैं अपने फोन से कर लूंगा, नेटवर्क भी रिचार्ज भी है। आगे फोन। हेलो भैया। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। अब आना आप वोट लेने विधायक जी। मेरी बात। ओ रेड लाइट आ गई। विधायक साहब की तो रेल बनाई राखी है, मेरी बना दे आज। बे किस बात की विधायक साहब की रेल, वे भी तो मुझसे अपने 50 काम निकलवावे, प्रचार प्रसार हर जगह बुलवावे मुझे। आज तो बचा लिया विधायक ने, पर ये सोर्स मेरे पापा के वहां नहीं चलेगी तेरी। ओ मैडम तुमसे ज्यादा जमीन हम पे, तुमसे ज्यादा गाड़ी हम पे। चार तो घर हैं, वो भी 5 मंजिल के, 6 लेंटर गिरे हुए विद इंग्लिश लेटरिंग, हर कमरा में एसी, फिर दिक्कत कैसी? 11वीं फेल से क्यों शादी कराएंगे मेरे पापा? अजी हां 11वीं फेल, 11वीं में कंपार्टमेंट ही मेरी। अब कंपार्टमेंट का पेपर देने गया, सामने मुझे दिख गया सब्बू, बाजू मेरी लड़ाई चल रही, मैंने वो पेल दिया, उसका सर पटका, वह पुलिस स्टेशन ले गए, मेरी कंप्लेंट होगी, प्रिंसिपल ने मेरा नाम काट दिया। मुझे बाद में पता लगी प्रिंसिपल ने मेरा नाम या मारे काटा, क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत होशियार हूं, तो मुझे टॉपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता, और उसने अवार्ड अपने लोंडा को दे दिया मेरी जगह। और भाभी तुम्हारे खुद के पापा तो 8वीं फेल हैं। वो भी वैसी बतावे, बस कागजन में मुझे तो 5वीं फेल लगे हैं। अंबानी विकास अंबानी। हाँ भाई। बरसा भाभी का जहर पापा ना एक महिला की गैल घूम रहा, गर्भवती महिला, प्रेग्नेंट लेडी। भाई मो ऐसा लग रहा है संपत्ति में बंटवारे की तैयारी है। रख फोन। तेरे पापा ना करे ना बिया मेरी गैल, तेरे पापा का पापा भी करेगा। हटना जरा, गेर मार गेर मार गेर मार। डॉक्टर ने 5 दिन बाद फिर आने के लिए कहा है। आ जाएंगे, बैठो। भाई बुढ़ापे में भी न मान रहा। वाह ससुर जी वाह। अरे काई बात के ससुर जी, मैं तो ना कहूं तुम्हें आज से ससुर जी, जहां देखी नारी वहीं आंख मारी। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आपको एक बार अपनी धर्म पत्नी का ख्याल करना चाहिए था, जो स्वर्ग में से सोचती होंगी कि मेरा ये पति, दीदी नमस्ते, घर में सब ठीक, कि मेरा ये पति क्या कर रहा है। अरे थोड़ी तो शर्म रखो, बुढ़ापे में फ्यूचर प्लानिंग चल रही है। वाह। और अपनी लड़की को क्या कहते हो तुम, लव मैरिज नहीं करनी, और उसके पीठ पीछे गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं। ओ हेलो एक्सक्यूज मी मैडम, क्या आपको पता है आपके बराबर में जो वहां से खड़ा है ना, ये एक सुंदर सुशील कन्या का पापा है। हाँ भाई साहब मुझे पता है, और वो सुंदर सुशील लड़की मुझे प्यार से बुआ बुलाती है। ये मेरे भैया हैं और मैं इनकी दीदी हूँ। बुआ जी। हाँ जी राम राम विधायक जी। राम राम। अरे दरोगा जी कैसे बिठा लिया इसको, छोटा भाई है अपना। अरे दरोगा साहब जवानी में ये काम तो हम भी बहुत करते थे, आपने भी तो करे होंगे। गलत थोड़ी करे, और मेरा तो खुद सगा भाई इन कामों में एक नंबर का एक्सपर्ट था। ये विधायक जी कैसे संस्कार हैं आपके, भाई बहन को पति पत्नी बोलते हो आप भी? बहन भाई क्या बोल रहा भाई तू? और नहीं तो क्या। विधायक भैया नमस्ते। नमस्ते मेरे भाई। दरोगा साहब ने पकड़ लिया, बाइक चला के ला रहा है। तनक इनसे बात करके छुड़वाइयो, मैं करवाइयो इनसे सेटलमेंट, जल्दी करवाइयो मुझे ना, वर्षा की गर्ल टिक्की गोलगप्पे भी खाने जाना है। अरे कभी हमें भी खिला दिया कर टिक्की गोलगप्पे। चल कोई नहीं तू बात करा। करवाता हूँ बात। दरोगा साहब, विधायक साहब स्पीकिंग। दरोगा जी बात करो मेरी सुनडे साहब जरा। हाँ जी बात कराता हूँ। ले भाई बात कर। डर गए क्या? अबे कर ले बात कर ले। हाँ विधायक भैया। बेटा मैं तेरी कब तक डट्टी साफ करता रहूंगा, अरे कभी तो सच बोल लिया कर महाराज। आपको तो पता है
मैं ना सच्चा आशिक हूँ वर्षा का। उसके चक्कर में ना छोटे मोटे मुझसे हो जावे कांड, लग जावे फिर मेरी वाट। यार कुछ भी कह, ये बढ़ाना कैसा ही सही, लड़का दिल का साफ है, ये तो लौंडिया बाजी के चक्कर में बर्बाद हुआ जा रहा है। तू बेटा वर्षा के चक्कर ही काटता रही हो, और थोड़े दिन बाद ना वो शादी के मंडप में चक्कर काटती हुई दिखाई देगी तेरे को किसी और के साथ। लाशे बिछा दूंगा लाशे। अरे तू लाशे नहीं बिछाएगा, वर्षा की शादी में कारपेट बिछाएगा तू देख लिए, क्योंकि परसों उसे देखने लड़के वाले आने लग रहे हैं। और सुन, जितनी तने क्लास पास नहीं करी ना, उससे ज्यादा तो उसके पास डिग्रियां हैं और बढ़िया नौकरी भी लग रहा है। पर भैया वर्षा तो मेरा बचपन का प्यार, कभी भूल नहीं जाना है। अरे वो बचपन का प्यार भूल जा उसने। और सुन, इस बार मैं तेरी कोई हेल्पिंग कर पाऊंगा, क्योंकि लड़के वाले मेरे गाँव के हैं, समझा? भैया एक बात याद रखना, नहा धो के नहर में तूफान मचा देंगे शहर में, पर्सनैलिटी जहर है, बाबा की पूरी मेहर है। एक और बात, मेरे और वर्षा के बीच में जो भी आए ना, वो घोड़ी पे बैठ के नहीं गधे पे बैठ के जाएगा। देखो अब क्या करता हूँ मैं। बात बात सुन, पता नहीं भाई वो लड़का ही भी नया केक ऑर्डर करेगा। वैसे तो जी भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। बाबा और क्या जी, 250 गज का मकान है, वॉशिंग मशीन है, 41 इंच का टीवी है, कार है, और वो भी सेकंड हैंड सीएनजी वाली। बाबा मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। और तो और जी, हमारा लड़का ना अंग्रेजी सीरियल देखता है, वो भी इंग्लिश में। बाबा मैं आपको फिर सैल्यूट करता हूँ। साहब जी नमस्ते। नमस्ते। साहब जी मेहमान आए हुए हैं, इनके लिए पिसलरी का पानी लाना है या गड़े का लिया है? अबे तू यहां क्या कर रहा है? कोई इंसान इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है? साहब जी आप हमें भूल गए, चलो मत दो हमें 2 महीने की तनख्वाह, पर ऐसे हमें जलील तो मत करो मेहमानों के सामने। आपने हमारी दिन रात कुत्ता कचहरी करी, लेकिन हम आपके कुत्ता कचहरी नहीं करेंगे। आपके मेहमान आए हैं, हम इनकी सेवा करेंगे। बताइए क्या लाना है? वैसे जी ये हैं कौन है? ये बताओ ना कौन है, बताओ जो हम हैं कौन। ये हमारे नौकर हैं। नौकर जी जाओ हमारे मेहमानों के लिए और भी खाने पीने का सामान लेके आओ, भर भर के। गो गोवा गॉन गॉन। बेटी तुम हम बुड्ढों में बैठ के क्या कर रही हो, जाओ हमारे दामाद जी को छत दिखा के आओ। ये सब काम तो मैं कर लेता हूं ना ससुर जी। मतलब साहब जी निकल गई मुंह से, माय मिस्टेक। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं। आइए आइए ना सर। अरे है रही है। बाल सेट करने की बड़ी गंदी आदत है मुझे, मेरी बाल काटने की भी दुकान है ना। हाँ इसकी पिछली गली में दुकान भी है। आप लड़की देखने आए हो बाबू, बाल तो सेट करके आया करो। अच्छा बाल सेट कर रहा है, बाल। हाँ कितना अच्छा बाबू है, आ जाओ। बाल सेट हो रहे हैं जी, आराम से सेट करना। तुम दोनों यहीं रुको, इनको संभालो, इसे मैं छत पे से फेंकता हूँ। टेक केयर। आपके घर की सीढ़ियाँ काफ़ी अच्छी हैं, आपके घर की छत भी काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन एक बात कहूँ, आपसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। इस लौंडे को आज छेद दूंगा, बातों बातों में छत से फेंक दूंगा।
पता है मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी आप जैसी लड़की से शादी हो, और देखिए आज मैं उसके कितना करीब हूँ। वैसे आप काफी खूबसूरत हैं। हाय वर्षा। ये क्या किया? सॉरी सतपाल भाई, मेरे हाथ से निकल गई। मेरा नाम नीरज है। हाँ चल, जो भी है। हाय। एक पैसे की तमीजी नहीं है, पूरी शर्ट गंदी कर दी इसने। अरे काहे को बोपू की तरह पट रहा है यार, सोप सी से सोपिंग करके तू ये नई शर्ट लाके दे दूंगा। बता क्या साइज है तेरा, बता भी। चुप रह, मैं खुद साफ कर लूंगा। हाँ तो जाना फिर, चल चल साफ कर गया चल। तू क्या कर रहा है यहाँ? ये बता तू क्या कर रही थी अभी? अरे वो बातें कर रहा है तो उसकी बातों पे असर ही है, दांत फाड़ रही। दांतों का डॉक्टर है वो। देख अमित, मैंने तुझे पहले भी बोला है, मैं अपने पापा की बात नहीं टाल सकती। तुझे शादी करनी है मुझसे? हाँ अभी कर ले। तो मेरे पापा को मना। अबे कौन मना है उस कुसड़ बुड्ढे को, क्यूट बुड्ढे को। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। अच्छा मेरी एक बात सुननी। नहीं सुननी अमित। यार एक बात सुन ले यार। नहीं सुननी तेरी कोई बात। मत सुनो, लेकिन ये तुम्हारा दूल्हा तो सुनेगा ना। अरे सबन जी आप भी चाय लो ना, सारा सामान विदेश से मंगाया फौरन से। मालिक साहब, जैसा आपने कही थी ना, चाय कुतिया के दूध की बनाई है। कुतिया को? अच्छा कुतिया के दूध की चाय है। कुतिया के दूध की चाय। अब रोज रोज लड़के वाले आ जावे, कहां तक खर्चा करे जी कोई। बस एक बार ये रिश्ता हो जाए, फिर कुतिया के दूध की जगह भैंस के दूध की चाय पियाएंगे तुम्हें। अरे ये जो सड़े हुए आलू के पकौड़ा ये खा रही है ना, इनकी जगह पनीर के पकौड़ा खवाएंगे, पनीर के। अरे तुम भी तो हंस रही थी जब मैं कुतिया के दूध की चाय पी रहा था। नौकर रहे जी, ऐवे मजाक करते रहते। चलो चलो गो गोवा गॉन हो जाओ, चलो निकलो निकलो। घनश्याम जी प्रेस करा दूं? मेरा नाम नीरज है, घनश्याम नहीं। नीरज जी, जो मेरी वर्षा है ना, मेरी मतलब आपकी होने वाली वर्षा, उसको थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है, तो थोड़ा ऊंचा बोलना। क्या बात कर रहा है? लाइव एग्जांपल दिखा दूं आपको? दिखाओ। चलो हेलो हेलो। अरे विधायक साहब, राम राम। हर बात के सबूत चाहिए, कतई वकीली हो रहा है। वर्षा ओ माय वर्षा बोलता रहे। हो गया ना यकीन? अब कर ले तू भी एक बार टेस्ट जाके। वर्षा तुमको खाना बनाना आता है? ये तो बड़ा बदतमीज है। मैं इसको दोस्त बोल रहा हूँ। अरे यू अमित होगा पागल, हमने इतना समझा लियो फिर भी न्यू बोल रहा हो। थारे गोमसू वर्षा देखने वाले आए ना वे लौंडा वाले, वह लौंडा सब कुछ बता देगा अपने यार वर्षा के बारे में। अरे यार रिश्ता तोड़वा देगा। वर्षा तुम कहाँ तक पढ़ी हो? टीचर लगाएगा क्या मेरे को कहीं पे? तुमको मैं पसंद आया क्या? नहीं आया, मुझे अमित पसंद है। ऐसे कैसे तोड़वा देगा वो रिश्ता? ये मेरे क्षेत्र की सड़क थोड़ी है जो इतनी जल्दी टूट जाएगी। देखो विधायक साहब, बताना मेरा धर्म है, बाकी आपकी मर्जी है। नीरज फोन करके बताओ या मत बताओ। ठीक है मैं देखता हूँ, इस अमित के बच्चे को तो मैं ठीक करता हूँ। अब विधायक साहब नीरज के द्वारा फोन करेंगे या दूल्हे और वर्षा का रिश्ता तोड़वा देंगे। तुमको ये बीमारी कब से है? कौन सी बीमारी? पागल हो क्या तुम? दल बदल भैया का फोन? हाँ भैया, मेरे लायक कोई सेवा है?
वर्षा बताइए ऐसे चिल्लाया जा रहा है यार, ये थोड़ा सा बावला दीख है। मेरी बात सुन, वो लड़का है ना अमित, वो एक नंबर का लफंगा है, तू उसकी किसी बात पे विश्वास ना करिए, ठीक से। कौन अमित? यार तेरा पापा ना मुंह लग रहा है कभी तो डुबका के ही छोड़ेगा। अरे वो यार जिसका वर्षा के साथ चक्कर चल रहा है। क्या? अरे हाँ वर्षा की और उसकी सेटिंग हो रखी है यार, दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है वो। यार मैं ही हूँ तुम्हारे लिए जो बना हूँ, तुम्हें पता है। अरे तू रुक, मैं तेरा फोटो भेजू अमित का, तेरे आस पास कहीं दिखाई देना उसके जूते मारिए तू निकाल गए, ठीक से। वर्षा का सीट बनाऊंगा इसमें मैं। तो इसका नाम अमित है, नौकर के साथ चक्कर। यार तुम बहुत अच्छी हो है ना। मेरे साथ धोखेबाजी, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम दोनों को। रुक जा बेटा रुक जा, जब हमारी शादी होगी ना तो तुम लहंगा सिलवाइयो और मैं शेरवानी। ए क्या गजब की लड़की हो है, अपने नौकर से सेट हो रखी हो, मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो यहाँ पे। अबे तू क्या है, को फालतू बोले जा रहा है, बड़ा मुंह चल रहा है तेरा, अपनी औकात में रहो। और तुम बहरी कहीं की? बहरी बहुत झन्नाटेदार चाटा लगा है, तुम मेरे साथ आओ। मम्मी पापा चलो यहाँ से, नई कंडी शादी यहाँ पे। क्या हो बेटे? एक तो इनकी लड़की डिफेक्टेड है, ऊपर से अपने नौकर से ही सेट है, उसके साथ लुलुलु कर रही है। बेटे ये क्या बोल रहे हो, समझी जी आप समझाओ ना कुछ। अरे आप समझाओ ना अपनी लड़की को हैं? अरे जब मेरा लड़का राजी नहीं है तो मैं इसकी यहाँ शादी करके करूंगा क्या? चलो जी रसगुल्ले रखो और यहाँ से चलो, हमें नहीं करनी यहाँ शादी। अरे समधी जी छोड़ो तुम, चलो जी सुनिए तो। अरे नहीं सुनना मुझे कुछ, हमें नहीं करनी यहाँ शादी, चलो जी। अरे पापा ये लड़का ही कुछ अजीब था। तुझे मैंने कहा था कि अमित के बारे में उस लड़के को कुछ मत बताइयो, मगर नहीं, तुझे तो अपने बाप की इज्जत से खेलने में मजा आता है, खेलो। लेकिन अंकल वर्ष क्या तू चुप रहे? अरे हम शरीफ लोग हैं, क्यों हमारे पीछे पड़ा है, हैं? चला जा यहां से, आज के बाद मेरे परिवार के आसपास भी नजर मत आइयो, समझे? और हाँ, अगर तेरे घर वालों ने तुझे जरा से भी अच्छे संस्कार दिए हैं तो मुझसे जबान लड़ाए बगैर चला जाए यहां से। ओ भाई दुनिया गम में दारू पिए, तू लस्सी पी रहा है, पोछो गिलास है, यूं मोटा हो जाएगा मोटा। अरे सुन रीनू से लेकर रिंकी पिंकी सविता सुनीता भाई के प्यार में पड़ी रहे मैं, वो तो हमारा भाई है जो उन्हें भावना देता बिल्कुल भी। ओ भाई वो तो हमारा भाई वर्षा भाभी के चक्कर में पागल है, अरनी कैटरीना दीपिका करीना कियारा, उन्हें ना लगता हमारे भाई के आगे कोई भी प्यारा। अरे चुप यार, एक घंटा सू फेंके जा रहे हो, कोई लिमिट भी हो करे, मुझे भी दिख रहा लंबी लंबी फेंक रहे हो। भाई हम तो तेरा दुख देखो ना ज्यादा बिल्कुल भी। वर्षा इसे कैसे पता लगा हम यहाँ? भाई मैंने बताई थी। ऐसे तो ना बताई होगी, कोई तो लालच होएगा। उन नीतू के नंबर की डील थी कि नीतू का नंबर दे दूंगी। ए, कैसे यार हो तुम? अमित मैं अपना घर छोड़कर आ गई हूँ हमेशा तेरे साथ रहने के लिए। अमित चल
मैं आज तेरे साथ भागने आई हूँ। भागूंगा तो नहीं मैं, जिंदगी में आज तक कभी भागा नहीं हूँ, दौड़ा जरूर हूँ। भागने वाला तो आज तक कोई काम ही नहीं किया, जो भी किया खुलेआम किया। यूपी के जीते हैं खुल के जीते हैं। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। मैं तो अपने घर से भाग कर आ गई हूँ और मेरे पापा कभी भी पुलिस लेके आते होंगे। अब मेरे पास तो भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब बाकी आप लोग देख लो, और तू देख ले तुझे मुझे बीच रास्ते में छोड़ना है या अपने साथ लेके जाना है। हाँ भाई, जाना सोच क्या रहा है अब? भाई तू गाड़ी स्टार्ट कर, मैं बैग रखता। मैं चौदा सीगा नाल खड़ा ते तू मेरे नाल खड़ी। मैं चौदा सीगा नाल खड़ा ते तू होवे नाल खड़ी। हुण चेता तेरा भुलदा ही नहीं, मैं कोशिश करदा बड़ी। ते चेता तेरा भुलदा ही नहीं, मैं कोशिश करदा बड़ी। गुट तो लथदी नहीं तेरे प्यार दी कड़ी। ए गुट तो लथदी नहीं तेरे प्यार दी कड़ी। हुण चेता तेरा भुलदा ही नहीं, मैं कोशिश करदा बड़ी। ते चेता तेरा भुलदा ही नहीं, मैं कोशिश करदा बड़ी। अमित तू तो ऐसे चुप है जैसे मैं किसी और के साथ भाग गई हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, बस अचानक आज अंकित के पापा की याद आ गई। अंकित के पापा? अभी 2 महीने पहले ही उन्होंने सुसाइड किया था। लेकिन क्यों? अंकित की बड़ी बहन कॉलेज जाया करती थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। कॉलेज में कोई लड़का पसंद आया, फिर दोस्त बने, फिर प्यार हो गया। दोनों ने सोचा साथ में सेटल हो जाते हैं और शादी कर लेते हैं। घर वालों ने मना कर दिया। पता है वर्षा, प्यार की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? यह आपको अपनी तरफ खींचता है। बाद में दोनों ने शादी कर ली, अपनी अपनी जगह सेटल हो गए। लेकिन वो दोनों भूल गए थे कि इस प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन हमारी सोसाइटी है। सोसाइटी के ही कुछ लोगों ने अंकित के पापा पर इतना प्रेशर डाला, इतनी तरह तरह की बातें बताई, लड़की के कैरेक्टर पर सवाल उठे, लड़के के कैरेक्टर पर सवाल उठे, आखिर में आते आते तो उनके मम्मी पापा पर भी सवाल उठने लगे। नहीं झेल पाए उसके पापा प्रेशर और अपनी जान गंवा दी। पता है वर्षा, प्यार करने वाले कभी गलत नहीं होते। ना तू गलत है, ना मैं गलत हूँ, ना हमारे मम्मी पापा गलत है। गलत है तो ये सोसाइटी और इसके लोग, जिनके खुद के घर में क्या चल रहा होता है उन्हें परवाह नहीं है, लेकिन दूसरे की जिंदगी में उन्हें पूरी रुचि लेनी है। उनकी रुचि लड़की कहाँ है उन्हें फर्क नहीं है, उनका लड़का रवि कहाँ है उन्हें फर्क नहीं है, लेकिन वर्षा कहाँ जा रही है, अमित कहाँ जा रहा है उन्हें बड़ा फर्क है। और सच बताऊं वर्षा, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी प्यार को हार जाना चाहिए और परिवार को जीत जाना चाहिए।
तुझसे जुदा होकर मैं अब खुद का ही ना रहा हूँ मैं मुसाफिर अब ये सफर में कहीं गुमशुदा अब राह की दुनिया में तू है खुदा अब जा सनम मेरे यूं ना सता इतना करीब होकर क्यों तू दूर जा रहा तेरी यादों के साए में हूँ लापता बेटा बेटा मुझे माफ कर दे बेटा बहन बेटी की इज्जत करनी मोए भी आवे जब घर की इज्जत जावे तो लोगों को बड़ा मजा आवे लेकिन माँ बाप अंदर से टूट जावे और मेरा काम तो जोड़ना है तोड़ना ना तभी तो लोग कहवे अरे इससे ना टकराना या का नाम है अमित बढ़ाना है जो बातें अनकही तो सुनो ना तुम कभी ओ वक्त के